Hello students, welcome again. Surendra Nagya from Kelvin Institute, faculty in chemistry. Today we will discuss Haloform reaction. It is very important reaction from competitive examination point of view. Let me get started about Haloform reaction. Haloform reaction, intro. Methyl carbonyl compound, methyl carbonyl compound or methyl 1 or 2 degree carbinol, methyl 1 or 2 degree carbinol compound react with halogen in presence of aqueous base to give haloform and carboxylate ion. It is known as haloform reaction. Pay attention on this some word, methyl carbonyl compound and methyl 1 degree or 2 degree carbinol compound react with halogen in the presence of aqueous base to give haloform and carboxylate ion. It is known as haloform reaction. As example, any carbonyl compound which contain methyl keto group react with halogen in the presence of aqueous base to give haloform. Haloform में ये वाला carbon, methyl group वाला carbon और यहां से 3 halogen, 3x जो positive form वाले हैं और एक H, ये react करके आपका CHX3 haloform बनाएगा और ये group यहां से remove होगा. तो ग्रुप को रिमूव करने के लिए इसका ऑक्सीजन जो होगा वो इसके साथ आएगा, वो एन वाला पार्ट. तो ये साथ में जो कार्बोक्सिलेट बनेगा RCO O नेगेटिव, एन दे सकते हो साथ में आप, Na पॉजिटिव, CH3 3X. तो यहां पर आप देखोगे कि यहां जो ये मिथाइल ग्रुप है वो हैलोफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है, बाकी वाला ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ है. बाई प्रोडक्ट अगर आप बनाने हैं तो 3x ये है, तो 3 Na हमारे पास यहां पर जो टोटल 4 Na 3 NaX आ जाएंगे और 3H2 आ जाएंगे 3H2. तो नेट रिएक्शन ये होता है, इसको हम बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन. अब हम एक एक चीज को इसमें समझते हैं कि मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन से सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं. दूसरा, उसके अंदर एक्वस बेस जो लेते हैं हैलोजन के साथ उसका क्या वर्किंग होता है और उसके हिसाब से जो हैलोफॉर्म बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में एक इंट्रो लेते हैं, एक आइडिया लेते हैं. हैलोफॉर्म में सबस्ट्रेट जो बताए गए हैं वो एक मिथाइल कीटो ग्रुप वाले कंपाउंड, मिथाइल कीटो ग्रुप वाले कंपाउंड बताए गए हैं, मतलब मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड. एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप मतलब इसमें CH3 CO ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ये कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए. CH3 CO H या R ग्रुप अटैच हो सकता है. तो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3 CO ग्रुप हो वो वाले कंपाउंड ये वाले रिएक्शन दे सकते हैं, बट इसमें एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए. जैसे CH3 CO OH, CH3 COOH या OR
या हेलोजन या OCOR एसिड या कोई एसिड का डेरिवेटिव है तो उसमें भी CH3CO ग्रुप है, बट ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। CH3CO जो होना चाहिए वो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का होना चाहिए। इट शुड बी कीप इन माइंड कि मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, एसिड या एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप के साथ अगर कुछ हो सकता है जैसे CH3CO, फिर इसके साथ दोबारा CO, और यहां पर मान लो हमारे OH आ गया, यहां एसिड ग्रुप आ गया, इट डजंट मैटर, ये CH3CO ग्रुप है, ये हमारा कंसिडर होगा और ये दे देगा। यहां एसिड आ जाए तब भी दे देगा ये CH3COCOH, यहां भी CH3CO ग्रुप आ जाए तब भी ये दे देगा, बट ये नहीं देगा CH3COCO के साथ। अगर CH3 आ गया मतलब CO के साथ COH एसिड आ जाए तो दे देगा, CO के साथ CHO एल्डिहाइड आ जाए दे देगा, लेकिन COCH3 आएगा देन ये नहीं देगा। इस सिचुएशन के अंदर एक पॉइंट है जिसके अंदर ये आ सकता है, अगर हमारा CH3CO और उसके बीच में एक CH2 आ जाता है और फिर COCH3 आ जाता है, दो CO के बीच में CH2 आ जाता है, तो ये वाली स्पीसीज हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको दे सकती है। तो मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे सकते हैं, ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन कंसीडर होंगे मिथाइल कीटो वाले, या CH3CO के साथ एसिड एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तब कंसीडर होगा, या फिर दो CO के बीच CH2 ग्रुप आ जाए देन ये कंसीडर हो सकता है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसमें ये वाला कार्बन आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरे आपके अल्कोहल हो सकते हैं, वो जो अल्कोहल है वो मिथाइल कार्बिनोल वाले अल्कोहल है, मिथाइल कार्बिनोल कंपाउंड वाले आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। मिथाइल कार्बिनोल के अंदर जैसे CH3CHOH मिथाइल कार्बिनोल, लेकिन 2 डिग्री ग्रुप होना चाहिए, मतलब CHOH ग्रुप होना चाहिए, CHOH इसके साथ यहां पर आपका H या R लगा हो, तो ये वाले कंपाउंड जो है CH3CH मिथाइल कार्बिनोल कंपाउंड जिनके पास ये ग्रुप है, मतलब एल्कोहल में भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है, ये वाले ये कंपाउंड दे सकते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं CH3OH, तो CH3OH नहीं देगा। अगर मैं इसकी जगह इथाइल अल्कोहल ले लूं CH3CH2OH होता है वो, तो ये दे देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल दे देंगे CH3COH, यहां पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारे पास दे सकता है, ये वाला दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, इथाइल अल्कोहल इवन 1 डिग्री है बट ये आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। 3 डिग्री में आपके पास नहीं रहेगा CH3OH, और यहां पर अगर R आ गया तो ये 3 डिग्री हो गया, COH है तो ये 2 डिग्री CHOH ग्रुप नहीं है, इट मींस ये आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द हेलोफॉर्म रिएक्शन, तब आप चेक कर सकते हो पहले कि पहले आपके पास मिथाइल एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए, या मिथाइल कीटो ग्रुप है और उसके साथ एसिड ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप है तब दे सकते हैं, या मिथाइल सीओ ग्रुप है और उसके साथ दो सीओ के बीच में CH2 है तो अब ये CH3 वाला नहीं बल्कि ये CH2 वाला आपको जो है रिएक्शन दे सकता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। अल्कोहलों में भी दे सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल ओनली 1, इथाइल अल्कोहल कैन शो कार्बन हेलोफॉर्म रिएक्शन, एंड 2 डिग्री अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप, कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप जो 2 डिग्री वाले हैं वो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। CH3 की जगह अगर कोई हेलोजिनेटेड आ जाता है कोई भी इसी टाइप का ग्रुप तो वो सब भी ये दे सकते हैं कंपाउंड, जैसे CH3 की जगह CX3 और COR ग्रुप है, COR ग्रुप है तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि आगे जाके हेलोजिनेटेड होगी यही जो है प्रोडक्ट बनना है जिससे आपका हेलोफॉर्म प्रोड्यूस होना है। तो आपने ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट हमारा किस टाइप का हो सकता है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में रिएजेंट क्या लिया जा सकता है, रिएजेंट क्या लेते हैं और क्यों लेते हैं, तो रिएजेंट इसके अंदर हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं और हेलोजन के साथ हमें कोई एक्वस बेस लेना होता है, हैलोजन के साथ एक्वस बेस, हैलोजन जनरली हम क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं, और एक्वस बेस के अंदर आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, इस तरह के रिएजेंट लिए जा सकते हैं। एक्चुअल यहां पर जब आप कोई भी चीज लेते हो तो होता क्या है कि सपोज अगर हम कोई भी हैलोजन लेते हैं
और हैलोजन के साथ हम कोई बेस लेते हैं एक्वस बेस जैसे NaOH, तो हैलोजन का इसके साथ रिएक्शन होता है, हैलोजन का जब एक्वस NaOH के साथ मतलब ये एक्वस NaOH मतलब डाइल्यूट हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है पी ब्लॉक का, तो हैलोजन की डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके पास बनेगा NaX और प्लस ये NaX बन जाएगा, प्लस बन जाएगा आपका जो यहां पर NaX और NaOX, NaOX में जो OX नेगेटिव होता है 2NaOH है तो बैलेंस कर सकते हो 2NH NaOH और NaOX प्लस H2 आ जाएगा, तो OX नेगेटिव जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोहैलाइट आयन, हाइपोहैलाइट आयन। ये जो हाइपोहैलाइट आयन OX नेगेटिव है ये हाइपोहैलाइट आयन बहुत तरह से वर्क कर सकता है, हाइपोहैलाइट आयन कुछ सबस्ट्रेट के साथ जो अभी आपने देखे हैं हैलोफॉर्म में उसके साथ बेस का काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बेस न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है और इवन जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर का काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर इसका काम भी कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिशन में कि आप जो है यहां पर H2 प्लस एक्वस NaOH लेते हो या कई बार ऐसे लिखा होता है कि डायरेक्ट आप ये चीज ले सकते हो NaOX, NaOX भी लिखा हो सकता है। इसका रीजन यही है कि जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है वो OX नेगेटिव आयन है, रिएक्टिंग स्पीसीज ये हाइपोहैलाइट आयन है, ये हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, रिएक्टिंग स्पीसीज हाइपोहैलाइट आयन है जो बेस न्यूक्लियोफाइल, अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, बेस न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल किसी भी इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर किसी भी फॉर्म में वर्क कर सकता है OX नेगेटिव आयन। कई बार हम देखते हैं यहाँ पर नॉट कि कई बार हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी दे सकते हैं तो सेम मीनिंग है उसका भी, बट कई बार हम सीधा ब्लीचिंग पाउडर भी यूज करते हैं इसके अंदर, ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो एज ए रिएजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaO सपोज Cl2, CaOCl2 जब आप लोगे तो ये भी क्या करेगा कि Ca2 पॉजिटिव आयन दे देगा आपको, एक Cl नेगेटिव आयन दे देगा, लेकिन एक आयन आपका बन जाएगा OCl नेगेटिव आयन और ये हाइपोक्लोराइट आयन है और हाइपोक्लोराइट आयन है तो यू कैन सी अगेन OX नेगेटिव आयन वाली स्पीसीज बन गई, हाइपोक्लोराइट आयन अगेन एक्ट एज बेस न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल विच डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट के साथ हम रिएजेंट, तो रिएजेंट हमारे कुछ भी लिखे भी जा सकते हैं हैलोफॉर्म के अंदर, हैलोजन और बेस दिया जा सकता है, डायरेक्ट बेस NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KH एटसेट्रा कुछ भी दिया सकता है, एक्चुअल में जो यहां पर होता है वो हाइपोहैलाइट आयन यूज किया जा सकता है, हाइपोहैलाइट आयन यहां पर यूज करते हैं। अगर हम हैलोजन के साथ बेस नहीं लेंगे उसकी बजाय हम एसिड ले लेंगे, जैसे हम ये देख सकते हैं सेकंड और कि अगर हम मान लो क्लोरीन ले लें और क्लोरीन के साथ बेस नहीं लेते हैं तो हम क्या ले लेते हैं एसिडिक एसिड, देन हमारा रिएक्शन प्रोसीजर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें जो एसिड होगा ये एसिड जो प्रोड्यूस करेगा ये आपका CH3CH है, तो ये जो आपको प्रोड्यूस करेगा ये टोटोमराइज करेगा स्पीसीज को, टोटोमराइज करके और उसके बाद Cl जो होगा वो मोनोक्लोरिनेशन दे देगा, मोनो क्लोरो नेशन। तो अगर हम यहां पर Cl यूज करते हैं क्लोरीन के साथ या हैलोजन के साथ एसिड यूज करते हैं देन प्रोसीजर रिएक्शन का चेंज हो जाता है, वो मोनोक्लोरिनेशन होते हैं, उसके कुछ अभी एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बन रहा है उसी के नेम पर जो है इट इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन, प्रोडक्ट जो है वो हैलोफॉर्म है, हैलोफॉर्म का मतलब होता है CHX3, अगर X की जगह हैलोजन चेंज करते जाएंगे तो जैसे मैं लिख दूं CHCl3 तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। जैसे अगर हम क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म दोनों ही जो आपके ये हैं, ये आपके लिक्विड हैं, लिक्विड, बट जो CHI3 है, CHI3 जो है ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म बनता है तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन में या टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटो ग्रुप में यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और
कीटोन कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इस रिएक्शन को अगर आयोडोफॉर्म बनता है तो मिथाइल कीटो की प्रेजेंस को शो कर सकता है, टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटो एचआर प्रेजेंस। ये जो CHI3 होता है, आयोडोफॉर्म होता है, ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन में यूज किया जा सकता है। CHI3 को अगर हम लाइट में एक्सपोजर करें, लाइट में रहने दें, एक्सपोज करें लाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो होता है ये ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैकिश या वायलेट कलर का होने लग जाता है। इसका रीजन ये होता है कि आयोडोफॉर्म की जो रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके CHI2 आयोडीन रिलीज करता है, CHI2 प्लस आयोडीन, और आयोडीन जो होता है वो वायलेट ब्लैक होता है। इसलिए अगर हम आयोडोफॉर्म को पड़ा रहने दें तो लाइट की प्रेजेंस में ये आयोडीन रिलीज करने लग जाता है। सिमिलरली यू कैन सी इन द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थेटिक में यूज होते हैं, ये दोनों ही एनेस्थेटिक में यूज हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये प्लीजेंट स्मेल एनेस्थेटिक होता है, तो एनेस्थीसिया में इसको यूज किया जाता है। जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, किसी को सुंघा देते हैं, लिक्विड होता है तो किसी को सुंघाने से जो है उसको बेहोशी आने लग जाती है, तो क्लोरोफॉर्म प्लीजेंट स्मेल एनेस्थेटिक। और इसकी प्रॉपर्टी यह है कि अगर इसको एयर की प्रेजेंस में ओपन छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है लाइट, इसलिए इसको जो होता है लाइट की प्रेजेंस में नहीं रखा जाता, इसको डार्क बोतल के अंदर जो है रखा जाता है। तो एयर और लाइट की प्रेजेंस में अगर इसको करते हैं तो इसमें एक गैस बनने लग जाती है जो पॉइजनस गैस होती है, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, CO Cl2 फॉस्फीन। ये जो गैस होती है पॉइजनस होती है, पॉइजनस गैस, और इसका नाम होता है फॉस्फीन। तो क्लोरोफॉर्म खुद पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसमें एयर की प्रेजेंस में कुछ पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे ये गैस बनती है, वो पॉइजनस गैस बनती है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अंदर ईथर यूज कर सकते हैं, डाइथाइल ईथर यूज कर सकते हैं, डाइथाइल ईथर यूज फॉर प्रिवेंशन। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, ईथर होता है तो C2H5 रिएक्ट करके इसका जो C2H5O होता है उसके साथ रिएक्ट करने लग जाता है, तो ये डाई इथाइल कार्बोनेट बनने लग जाता है, CH3CO OC2H5 और OC2H5, इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट। और डाई इथाइल कार्बोनेट जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस मटेरियल होता है। तो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म दोनों ही लिक्विड हैं जो एनेस्थीसिया में यूज किए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है प्रेजेंट स्मेल वाला एनेस्थेटिक मटेरियल है, और एयर या लाइट की प्रेजेंस में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसके अंदर मटेरियल जो चेंज होता है ये पॉइजनस गैस फॉस्फीन में चेंज हो जाता है, फॉस्फीन के अंदर चेंज हो जाता है, फॉस्फीन इज द PH3 एंड फॉस्जीन COCl2। जो फॉस्फीन होता है PH3, दैट इज द फॉस्जीन, COCl2 फॉस्जीन होता है। और इसको जब डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में हम कुछ ड्रॉप डाइथाइल ईथर की डाल देते हैं तो वो इसको प्रिवेंट कर देता है, और जो इसमें बनने वाली COCl2 है उसको डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है जो नॉन पॉइजनस होता है। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ ए हैलोफॉर्म रिएक्शन। सपोज वी टेक दिस एग्जांपल CH3COR सबस्ट्रेट, रिएजेंट है आपका कोई हेलोजन, और बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन दे रहे हैं NaOH। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें हैलोफॉर्म जो बनेगा मिथाइल कीटो का कार्बन 3 हेलोजन, और ये H से बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH X3, और बाकी पार्ट जो बनेगा RCOONe कार्बोक्सिलेट बनता है, एक कार्बन कम वाला पेरेंट से एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है इसका हम देखें, कि इसमें C जो मिथाइल कीटो का हाइड्रोजन है, पहले हमने डिस्कस किया है, जब SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाए उसके साथ CO ग्रुप आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ
खींचता है, इससे ये वाला हाइड्रोजन जो हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। इसलिए जो बेस होता है NaOH, वो बेस NaOH आकर के NaOH वो इस पर एज एक्ट करता है बेस की तरह और इस एच को निकालता है, बाहर निकालता है। जैसे ये बाहर निकाल देता है तो ये एच टू बाहर हो जाता है NaOH, और इस टाइम पे सी एच टू नेगेटिव सी ओ आर बन जाता है, सी एच टू सी ओ आर। और सी एच टू सी ओ आर जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, ये यहां चला जाता है, तो ये बन जाता है सी एच टू सी ओ नेगेटिव आर। इसको बोलते हैं हम इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन OH होता तो एल्कोहल नेगेटिव आ गया तो ओल एट, तो ये इनोलेट बनता है यहाँ, ये इनोलेट बनता है और यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है H का रिमूवल है, इनोलेट का फॉर्मेशन है, तो इनोलेट जो यहां पर बनेगा वो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनता है। तो इन दोनों इंटरमीडिएट में जो एक्चुअल में तो दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा तो CH3CO पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, बट इन दोनों के अंदर हम देखें तो यहां CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो हमारे पास बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वो ये CH2 नेगेटिव वाला होगा, ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा एज कंपेयर टू इसके हम इसको यूज करेंगे। तो अब जो होगा इसमें हैलोजन आएगा, हैलोजन में पोलैरिटी आ जाएगी, तो ये एक्स पॉजिटिव पार्शियली ये नेगेटिव, तो ये जाकर के ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम जो हमारा हाइपोहैलाइड आयन करेगा, तो एक्स पॉजिटिव इस पर अटैच हो जाएगा और NaOH बाहर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH2 का एक्स सी ओ आर, तो यहां से एक्स नेगेटिव रिलीज हो। अब जैसे पहले एक हाइड्रोजन था, अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट व्हिच इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो यहां से दोनों साइड से ये भी इसको देखो एक्स भी इधर खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो ये मोर एसिडिक हो गए, ये मोर एसिडिक अगर हमारे पास हो गए तो मोर एसिडिक हो गए तो फर्दर फिर रिएक्शन हो जाएगी हमारी, तो फर्दर हम क्या करेंगे वापिस फिर बेस दे देंगे हम इसको, तो जैसे 2OH नेगेटिव फर्दर दे दो आप तो 2HOH वापिस आ जाएंगे, और उसके साथ ही 2 जो आपने हैलोजन दे रखे हैं वो भी दे दो तो 2X नेगेटिव बाहर आ जाएंगे और ये आपका बन जाएगा CX3COR बन गया। अब CX3COR में यहां से ये जो है ये बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां गुड लिविंग ग्रुप है, SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल है, यहां पर अब हमारा OH नेगेटिव आएगा, ये OH नेगेटिव अब आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक्ट है न्यूक्लियोफाइल, अब तक बेस का काम कर रहा था, यहां पर बेस है, यहां भी बेस का काम किया, बट हेयर यू कैन सी OH अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन और देयर इज गुड लिविंग ग्रुप CX3, तो इसको बाहर निकाल देगा और ये हमारे पास बन जाएगा CX3 नेगेटिव और ये बन गया हमारे पास RCOOH। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CX3 नेगेटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये अब एक बेस की बेटर बेस की तरह वर्क करेगा, बेटर बेस की तरह वर्क करेगा, तो H का ट्रांसफर इसके पास हो जाएगा और प्रोडक्ट जो हमारा बन जाएगा हैलोफॉर्म बन जाएगा और साथ में हमारे पास RCOO नेगेटिव बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में कई सारे पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो इस कार्बन पर पहले एक CO ग्रुप होता है और हल्का सा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को बेस निकालता है एक पार्टिकल, फिर दो हाइड्रोजन हैलोजन के इंट्रोडक्शन से मोर एसिडिक हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, जिससे ये CX3 बन जाता है। अब ये CX3 बन जाता है, ये CX3 गुड लिविंग ग्रुप है, OH यहां से अटैक करेगा, ये यहां पर जो मैकेनिज्म होगा, यहां SN2 मैकेनिज्म देख सकते हो आप, ये SN2 मैकेनिज्म की तरह वर्क करेगा और ये इधर निकाल देगा इसको, तो CX3 आ जाएगा, फिर वापस एसिड बेस रिएक्शन होगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यू कैन सी द वेरी अप्स एंड डाउन इन दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन, इन स्टार्टिंग OH एक्ट एज ए बेस लेकिन फाइनली इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकेंडली यहां पर आप हैलोजन दे सकते हो कि ये देखो X पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ है जो कार्बन से अटैच कर रहा है, यहां कार्बन न्यूक्लियोफाइल देखते हो, X पॉजिटिव जो प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस
इस इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस किसने किया, वो भी तो रिएजेंट ने किया है, इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पर OX नेगेटिव आयन जो है, जो NaOH हैलोजन इन एक्वस बेस जो लेते हैं वो एक्ट एज करता है, एज ए बेस कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल कर सकता है, एज ए आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक्स पॉजिटिव को मतलब प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कवर कर सकता है। ओवरऑल यू कैन सी दिस रिएक्शन, स्टार्टिंग में आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिए थे, एल्डिहाइड कीटोन लिए थे और आप पहुंच गए एसिड के अंदर, तो इट मींस वन कार्बन लेस वाला एसिड में पहुंच गए, इट मींस यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क हो रहा है। तो ये हमारे पास ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब यहां पर आरडीएस जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हैलोजन का कोई रोल नहीं, आरडीएस में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हैलोजन का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब मैं कोई सा भी हैलोफॉर्म बनाऊं, हैलोजन के रेट जो होंगे सिमिलर रहे, हैलोजन का रेट आपका जो है वो यहां पर सिमिलर रहे, ये सिमिलर रह सकता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये नोट नंबर वन, अगर हम हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाए तो रिलेटिव रेट जो रहेगा, रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म वो सेम रहेगा, BSCl3 रेट अप्रोक्सीमेट CHBr3 approximate CHI3, because halogen का introduction, because introduction of halogen is not part of rate determining step. Rate determining step halogen का introduction जो है rate determining step का पार्ट नहीं है, तो रेट जो होंगे अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेंगे तीनों केसेस, चाहे आप क्लोरोफॉर्म बनाए, चाहे ब्रोमोफॉर्म बनाए और चाहे हम आयोडोफॉर्म बनाए। नोट नंबर टू, सारी कंडीशन कंप्लीट होते हुए भी स्टेरिक हिंड्रेंस प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन को, हैलोफॉर्म फॉर्मेशन can be stopped by steric hindrance. अगर steric hindrance आ जाती है तो haloform reaction नहीं हो सकता। जैसे हम ये example लें, CH Cl, यहां पर हम OH न्यूक्लियोफाइल लें तो SN2 रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, CO CHC, तो यहां पॉसिबल हो जाएगा रिएक्शन। तो हमारा जो आपका ये CCl3 है OH से ये प्रोडक्ट बना दें, CO O नेगेटिव और CHCl, ये बन जाए। बट अगर हमने ये वाला स्टेप यूज कर लिया, भाई सारी कंडीशंस कंप्लीट हैं बट CO CCl3 भी है, लेकिन यहां पर कोई बड़े ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो यहां पर हिंड्रेंस आ जाएगा। अब मैं OH नेगेटिव दूंगा तो SN2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आगे नो हैलोफॉर्म रिएक्शन या नो क्लोरोफॉर्म बन जाए। थर्ड नोट है हमारे पास, अगर मैं CHCl3 में AgNO3 डाल दूं, एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 डाल दें तो AgCl नहीं प्रोड्यूस हो, CHCl3 AgCl नहीं देगा, बट आपको CHBr3 या CHI3 आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म AgNO3 डालोगे, यहां पर बॉन्ड बड़ा होने से वीक हो जाएगा और आपको येलो प्रेसिपिटेट बन सकता है, AgBr का या AgI का प्रेसिपिटेट बन जाए। तो रिएक्शन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है हैलोफॉर्म रिएक्शन में कि आपका रिलेटिव रेट फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म जो है इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेट डिटरमिनिंग
स्टेप, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो डोंट परमिट द एसएन2 मैकेनिज्म, सारी कंडीशन कंप्लीट होते हुए भी क्लोरोफॉर्म नहीं बन सकता, नो CaCl3, CaCl3 नहीं बन सकता, क्लोरोफॉर्म जो है AgCl प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म AgBr प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेट मी सी सम एग्जांपल, सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद द हेलोफॉर्म रिएक्शन. यस, लेट सी दिस प्रॉब्लम. CH3CH2 react with the chlorine in the aqueous NaOH and react with the chlorine in the acetic acid. Then what will be the difference in the product? Let's see the solution. First problem is this CH3COH, CH3COH. This is the methyl keto compound and it react with halogen in the presence of dilute base NaOH. It means it gives the haloform test in presence of base. So CH3, ye wala C, 3H or H, product ho jayega CH X3 plus HCO ONA. इसमें जो प्रोडक्ट हुआ वो हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट है. बट अगर यही रिएक्शन उसने फिर हमें क्या है कहा है कि सी एच थ्री सी ओ एच, यहां पर हेलोजन जो उसने स्पेसिफिक क्लोरीन लिया है तो आप क्लोरीन ले सकते हैं, सीएल लिया है तो ये सी एच सी एच थ्री हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म आ जाएगा. यहां पर देखो सी एच थ्री सी एच ओ, यहां पर फिर क्लोरीन लिया है सी एल सी एल, और प्रेजेंस लिया है एसिटिक एसिड का. अब हमें प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है मैकेनिज्म है वो ये होगा कि सी एच थ्री सी ओ एच पॉजिटिव देगा, एच पॉजिटिव जो है वो सी एच थ्री सी ओ एच, उसमें एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये टोटोमराइज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, टोटोमराइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू सी ओ एच एच, ये इनोल बन गया. अब इनोल में ये डबल बॉन्ड का रिएक्शन है तो हम जब रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ सीएल और सीएल, सीएल और सीएल के साथ रिएक्शन होगा तो जो ये वाला एचसीएल बाहर हो जाएगा, एच पॉजिटिव आ जाएगा, तो एच पॉजिटिव जो है इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा सीएल, और बेस जो होगा NaOH जो हमने बेस ये एसिड एसिड ले रखा है CH3CH Cl इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देन हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा ये CH2 Cl C पॉजिटिव के साथ है C, ये H पॉजिटिव वापस जो है O और H में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा. तो जब हम एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं तो आप अल्फा कार्बन पर मोनोहैलोजनेशन करोगे तो एसिड प्रोड्यूस मोनो हैलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन, और बेस लेंगे तो अल्फा पोजीशन पे भी ये जो प्रोड्यूस करेगा बेस की प्रेजेंस में पॉली हैलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू केसेस which depend on the medium. कि basic medium लेते हैं तो क्या होगा और acidic medium लेते हैं तो क्या होगा. You can see this example. CO और इधर हम देखें तो 2-alpha hydrogen, इधर भी 2-alpha. यहाँ पर हमें जो medium दिया गया है, here the medium is chlorine in the presence of base. It means in the presence of base it produces polyhalogenation. Polyhalogenation. Like last reaction, poly halogenation. यहां पर एट वन अल्फा पोजिशन, एक ही अल्फा पोजिशन पर आप क्या चढ़ते जाएंगे तो इसका प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट CO, एच हटाते जाओ और उसी जगह पे सी एल लगाते जाओ. बट इस केस में देखो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिड की प्रेजेंस में जो होता है मोनो हैलोजिनेशन,
मोनो हैलोजन। और सपोज हमें इसमें मतलब 2-2 मोल ही दिया हुआ, कंसिडर फिक्स किया हुआ 2-2 मोल दे रखा है हमें, 2 मोल से आगे रिएक्शन नहीं करना है, तो 2 मोल है तो 2Cl मिलेंगे, 2Cl इसमें भी 2Cl मिलेंगे, बट मोनो हैलोजनेशन जो होता है एट बोथ अल्फा पोजीशन, दोनों अल्फा पोजीशन पर Cl प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमारे पास ये हो जाएगा, एक Cl इधर और एक Cl, ये कैच रहेगा, दोनों में डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस इन बेसिक मीडियम और इन एसिडिक मीडियम इन हैलोजिनेशन ऑफ कीटो ग्रुप कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। इथाइल अल्कोहल कैन आल्सो गिव द हैलोफॉर्म टेस्ट, इथाइल अल्कोहल इवन इज 1 डिग्री अल्कोहल बट इट गिव्स द हैलोफॉर्म रिएक्शन एंड इट प्रोड्यूस हैलोफॉर्म एंड विद सोडियम फॉर्मेट, एक्सप्लेन हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। सो सॉल्यूशन, let's see the solution, halogen X2 XX react with the NaOH to give NaX plus NaOX plus H2. Now ethyl alcohol is CH3 CH OH, Na positive, OX negative. So, OX negative act as base, and this hydrogen attached to oxygen react with acid. यहाँ से H extract हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3. CH O negative H plus HOX. Now this hydrogen is released and water NaOH mein NaOH negative now react as a base and this H is removed aur ye convert ho jayega aapka CH3CO H plus H2. फर्दर ये वापस मिथाइल कीटो ग्रुप हो गया, तो इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर आप पहले वाला रिएक्शन कर सकते हो कि 3 आप जो भी ले रहे हो हाइड्रोजन ले रहे हो तो 3x और 3 NaOH यूज कर सकते हो, तो ये अल्फा हाइड्रोजन 3 रिलीज हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3HOH और 3 NaX बाहर हो जाएंगे, ये CH3COH में, फिर नेक्स्ट स्टेप वही SN2 रिएक्शन वाला NaOH में न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, OH नेगेटिव कार्बन को रिएक्ट करेगा, गुड लिविंग ग्रुप है ये, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस HCO Na HCOH, ये नेगेटिव Na पॉजिटिव वापिस एसिड बेस रिएक्शन पहले की तरह CH3 और H, ये बन जाएगा आपका हैलोफॉर्म, साथ में बन जाएगा फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट। तो इस टाइप से आप इथाइल अल्कोहल भी एक तरह से बिकॉज X2 और NaOH की प्रेजेंस में ले रहे हैं तो इसके अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क भी करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, तो पहले इथाइल अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा और एल्डिहाइड कैन गिव सच टाइप ऑफ रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन इसका बन सकता है, इथाइल अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल है बट हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। फॉलोइंग क्वेश्चंस इज गिवन, CH3CO CH2CH3 twice I2PNQ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट इज दिस CH3CO CH2CH3, इट मींस CH3CO ग्रुप इज प्रेजेंट मिथाइल कीटो या मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर आपके पास आयोडीन रखा हुआ है, बेस रखा हुआ है आयोडीन और बेस की प्रेजेंस में रखा हुआ है CaOH ट्वाइस, तो इट मींस ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये जो कन्वर्ट होगा हैलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये हैलोफॉर्म कन्वर्ट और ये साल्ट बन जाएगा, तो ये जो बनेगा हमारे पास हैलोफॉर्म बन गया CH3, सपोज ये हमारे पास POCU में से CH3 और एक मेरे पास साल्ट बन गया CH2CO O negative, अगर मुझे कैल्शियम का साल्ट चाहिए
तो इसको कैल्शियम के साइड में कन्वर्ट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ सी ए ओ सी ओ सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ सी ए ओ सी ए तो ये बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम प्रोपेनेट कैल्शियम प्रोपियोन एट और ये बन गया आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये टेस्ट दे देगा, इसका मतलब सी एच थ्री सी ओ ग्रुप है। ये जो हमारे पास कैल्शियम फार्मेट है इसको हीट करेंगे हम, कैल्शियम फार्मेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा सी ए सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री, ये चीज बाहर होगी, डिस्टिलेशन हो गया इसका। बाकी पार्ट जो हमारे पास बच गया सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी एच, तो आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री लिया था फोर कार्बन वाला, ये फाइव कार्बन वाला आपके पास बन गया थ्री पेंटेन ओम, थ्री पेंटेन ओम के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मीन सी एच आई थ्री पी है आपका, क्यू जो आपका है वो कैल्शियम प्रोपियोनेट है और थ्री पेंटेन ओम आपका आर। इस टाइप से हम डिसाइड कर, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं इसके अंदर। NaOCl के साथ एक कंपाउंड बन रहा है, पी वन एसिटिक कंपाउंड बन रहा है, एसिडिक मीडियम दिया, SOCl2 दिया, तो क्यू बन रहा है, क्यू को एच टू पी डी बेरियम सल्फेट के साथ लिया, आर आर के साथ जिंक अमलगम, इस टाइप से ही देखते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन, तो फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री, ये सी एच थ्री सी एच ओ एच है तो ये हमारे पास टू डिग्री कार्बिनोल है, टू डिग्री कार्बिनोल का जो रिएक्शन दिया है उसने आपको एन ए ओ सी एल के साथ दिया है, एन ए ओ सी एल दिया है तो इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम इस सी एच थ्री को हेलोफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच ओ एच है तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ ओ एन ए में, प्लस जो हमारा बन जाएगा वो सी एच सी एल थ्री बन जाएगा, सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म है जो एक हमारे पास एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज होता है, एनेस्थेटिक मटेरियल। सेकेंड सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी एन ओ को वो कह रहा है कि आप एसिडिक मीडियम दे दो, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी ओ ओ एच में, और इसको फिर वो कह रहा है कि आप एसओ सी एल टू दे दो, थायमिल क्लोराइड एस एन टू मैकेनिज्म हो जाएगा तो ओ एच रिप्लेस हो जाएगा सी एल से सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी ओ सी एल, ये एसिड क्लोराइड बन गया। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन वो जो दे रहा है आपको वो दे रहा है एच टू के साथ पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, तो ये जो रिएक्शन होता है ये रोजनमुंड रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन से एल्डिहाइड बन जाएंगे सी और रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच ओ। इस सी एच ओ का रिएक्शन जो हमसे दे रहा है आपको वो दे रहा है आप सी एच ओ का आगे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम कंसेंट्रेट एच सी एल के साथ, जिंक अमलगम कंसेंट्रेट एच सी एल और ये एल्डिहाइड है, ये क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन है तो ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो द प्रोडक्ट नाउ विल बी सी एच थ्री सी ओ को कन्वर्ट कर दिया तो ये सी एच थ्री सी एच थ्री सी, ये हमारा बैलेंसिंग चलता जाएगा जहां भी है सी एच थ्री, ये एच था ये एच रहेगा ये एच रहेगा ये एच और ये एच आ, अब ये हमारा एल्केन बन गया। अब वो एल्केन में से कह रहा है कि इसका क्लोरीनेशन करना है, तो क्लोरीनेशन में दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास, एक बन रहा है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एल, एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है और एक प्लस प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री
सी, ये जो बन रहा है ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्कीन बनाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, तो यहां हमें CH3MgBr दे रहा है, CH3MgBr एलिमिनेशन करेगा E2 एलिमिनेशन, Cl और H बाहर हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बन जाएगा CH3C CH2 CH3। इसका वो ओजोनोलिसिस कर रहा है जिंक की प्रेजेंस में, ओजोनोलिसिस जिंक की प्रेजेंस में कर रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा यहां पर और एक हमारा HCHO और साथ में हमारा बन जाएगा एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन बन गया। ये एसीटोन वो कह रहा है कि फर्दर मिथाइल कीटो कंपाउंड बन गया, ये एसीटोन मिथाइल कीटो कंपाउंड बन गया और रिएक्शन हमें करवाना है NaOI के साथ, NaOI तो NaOI के साथ इसका CH3 दे देगा, येलो पीपीटी दे देगा और ये हमारा एक एंटी सेप्टिक मटेरियल भी बन जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन इस टाइप से होगा। तो यहां जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो पहला हमारा एनेस्थेटिक के साथ था ये पी, फिर एच पॉजिटिव एसोसिएल टू के साथ हमारा क्यू आया, एसोसिएल टू के साथ ये क्यू, क्यू के बाद हमारा जो आपने रोजेनवुड रिडक्शन किया था उससे आर बना आर, फिर क्लीमेंशन रिडक्शन से आपका एस बना, एस के क्लोरिनेशन से दो प्रोडक्ट बने, एक जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्कीन नहीं बनाएगा और एक एल्कीन बनाएगा, तो सी वाला एल्कीन बनाएगा तभी उसका ओजोनोलिसिस हो पाएगा, ओजोनोलिसिस वाला जो लिया है वो आपका ये हमारे पास आ गया यू और ये यू हो गया, ये वी और ये हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक जो हमारा था वो रिगार्डिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन था। थैंक यू, सी यू टिल द नेक्स्ट क्लास।